एक तरफ ड्रामेटिक एंट्री, तो दूसरी तरफ कंफ्यूजन कंफ्यूजन। भाई हमने तो बस पीसी से इस शो इंडियाज रॉ स्टार पर उनका एक्सपीरियंस पूछा था, जहां वो अपनी अपकमिंग फिल्म मैरी कॉम का प्रमोशन करने आई थी। लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा सुपर कॉन्फिडेंट रहने वाली प्रियंका यहां इतनी कंफ्यूज नजर आई। जैसे तैसे प्रियंका डिड मैनेज टू टॉक अ बिट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो एंड हाउ शी एंजॉयड डूइंग हनी सिंह स्टांग खिचाई ऑन द शो। रॉ स्टार एक बहुत ही यूनिक शो है। मैं भी हाल ही में म्यूजिशियन बनी हूँ, तो मेरे लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी इस शो पर आने के लिए। स्पेशली हनी सिंह इज़ वन ऑफ माई फेवरेट म्यूजिशियंस राइट नाउ, एंड स्पेशली ये सब न्यू टैलेंट को देखने के लिए आई वॉज वेरी एक्साइटेड। हमने बहुत मस्ती मजाक की यहाँ पे हनी के साथ। वो मिस शो में मेंटर हैं, तो मेंटर की थोड़ी सी रैगिंग तो बनती ही है, तो मैंने काफी की। खैर इस शो के बाद हमने प्रियंका को स्पॉट किया जी के टैलेंट शो जी सिने स्टार्स की खोज के सेट्स पर भी, जहां प्रियंका वो सीन प्रिपेयरिंग फॉर हर दमदार एंट्री ऑन द शो। कितनी इंटरेस्टिंग रही प्रियंका की ये ड्रामेटिक एंट्री विद द शोज कंटेस्टेंट्स, ये भी देखिए। It was time for media interaction and to interact with the contestants, जो कि प्रियंका ने काफी sportingly किया। और साथ ही इन aspiring actors को कुछ tips भी दी। सबसे जरूरी बात यह है कि आपके जहन में समझ होनी चाहिए अपने किरदार की, एंड मेरे लिए that's always worked। ज्यादा मैं सोचती नहीं उसके बारे में, it just has to be very honest। जो आपकी फीलिंग्स होती हैं कि उस अगर आप वो किरदार होते तो। विक्टर एंड अनुराग बासु आर बोथ सच इनक्रेडिबल डायरेक्टर्स, और उसके ऊपर से सोनाली बेंद्रे जो खुद एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं। आई थिंक इट्स अ रियली ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक्टर्स अपने टैलेंट को पेश कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर एक ही दिन पर दो अलग अलग टीवी शोज पर प्रियंका ने किया अपनी फिल्म मैरी कॉम का प्रमोशन, जिसमें से एक था ड्रामेटिक तो दूसरा था कंफ्यूजिंग फॉर हर। खैर यर्स विशिंग हर गुड लक फॉर द फिल्म। सुरुचि महतपुरकर, कोरे, जिंक, मुंबई।